नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश की भाजपा सरकार के राज में युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के रोजगार मिल रहा है। अपनी काबिलियत पर रोजगार मिलने से युवा भी काफी उत्साहित है। भाजपा की कथनी करनी एक समान है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुज्जर जगाधरी के मुख्य चौक बाजार में एक कार्यक्रम में पहुंचे, इसी बीच तीन युवाओं ने कैबिनेट मंत्री को आते देखा और बीच बाजार में उनसे मुलाकात की। तीन युवाओं ने कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुज्जर को बताया कि बिना पर्ची खर्ची के उन तीनों को बिजली विभाग में नौकरी मिली है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने युवाओं के गले में माला डालकर उनका स्वागत किया। इस दौरान तीनों युवाओं ने कैबिनेट मंत्री से आशीर्वाद लिया और उनका धन्यवाद किया। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जोली की रिपोर्ट। बहुत अच्छी सरकार है जी, बढ़िया भर्ती करी है जी बच्चों के लिए। एक रुपया बिना पर्ची के भर्ती हुई है जी सर जी, ऐसे में ज्वाइनिंग हो रही है मेरी बिजली बोर्ड के अंदर। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जी, बिना खर्ची के बिना पर्ची के ज्वाइनिंग मिली है जी। गरीब परिवार से उठ के ऊपर तक आया हूँ। अमित कुमार है जी, क्या कहना चाहोगे? सिलेक्शन हुई है जी, बिल्कुल एक रुपया नहीं लगा जी, नो पर्ची के एकदम फेयर सिलेक्शन हुई है। बहुत बढ़िया सरकार है जी। मेरा नाम संदीप कुमार है जी, बिजली बोर्ड में इलम लगाऊँ जी, गरीब घर से आता हूँ जी, एक रुपया नहीं लगा जी। सरकार बहुत बढ़िया है जी, बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरी लग गया जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी के राज में सब कुछ बढ़िया हो रहा है जी। अब बहुत बड़े मंत्री अध्यक्ष मंत्री है जी, एकदम हमारे इलाके का विकास हो रहा है जी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी, एकदम बढ़िया विकास हो रहा है जी। गरीब घर के बच्चे सारे बढ़िया तरीके से पढ़ रहे जी। किसी के साथ भेदभाव नहीं। हमारे यहाँ कहावत है कि भाई राम राज है क्या कहते हैं, राम राज का मतलब हमारा यही है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं। सरकार जो है वो सबके लिए, सरकार का भाव होना चाहिए कि ये मेरे ही आदमी है, सब मेरे हैं। जैसे राजा का भाव होता है कि सब मेरी संतान है, तो चुनी सरकार का भाव होना चाहिए, ये मेरे ही भाई बहन है, मैंने सबके लिए काम करना। और 9.5 साल में आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये विश्वास कायम कर दिया। अभी आपने देखा पिछले प्रोग्राम में तीन बच्चे मिले थे जी, हमें एलम लग गए जी, हमें एलम लग गए, बिना पैसों के एलम लग गए। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो तो अपने आप ही मेरे पास आए और अपने आप ही मेरे पैरों को हाथ लगे लगाने जी, हमें एलम लग गए जी और आपकी सरकार में बिना पैसे के लग गए जी। सुबह मुझे दो लोग मिले, एक लड़का तो ऑस्ट्रेलिया था गया, वो ऑस्ट्रेलिया से जहां जब लग गया तो अब आया वो, तो उसने मेरे से कहा जी दो भाई थे, दोनों लग गए, अब ऑस्ट्रेलिया से आएगा लड़का। तो ऐसे बड़ी संख्या में बिना किसी भेदभाव के जो योग्यता है उसके आधार पर रोजगार दिए जा रहे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।